से एक नाकाबिल तरवीद ताल्लुक पैदा हुआ। जिसे जिसे इनका रास्ते मजीद बार बार मिलने लगे, उन्होंने एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी दरियाब की जो इनके बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंजर को उबोर कर गई। व्यूअर जब इनका ताल्लुक परवान चढ़ने लगा तो सूबे के खानदान और माशरती दबाव ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। रायान की आजिज़ाना हैसियत को नाकबिल कबूल समझा गया और सूबे से तवक्को की गई कि वो अपने ही माशरती हैसियत के शख्स से शादी करे, अपने जैसा एक मालदार और कारोबारी शख्सियत को चुने। रायान तुम्हारे बिल्कुल किसी भी तुमसे नहीं लगता। मुश्किलात के बावजूद ये जोड़ा एक दूसरे के रफाकत है मैं सुकून पाने लगा, खुफिया मुलाकातें और चूरी छुपे लम्हात बांटने लगा। रायान ने सूबे की मोहब्बत को अपने काबिल साबित करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन सूबे के खानदान पीछे हटने को तैयार न था, जिसकी वजह से एक शदीद मुकाबला हुआ जिसने इनकी मोहब्बत के मुस्तकबिल का फैसला करना था। क्या इनका रिश्ता जीत पाएगा या माशरती उसूल का बोझ इनका ख्वाबों को कुचल देगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, आप भी अपने राय के झारखंड बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।